वेलकम टू आवर चैनल रिटेल ज्ञान और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनीज एंटरिंग इनटू द रिटेल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। Amazon ने रिटेल इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है विद इट्स प्रोजेक्ट लोकल शॉप्स ऑन Amazon और इसके साथ ही Facebook और Jio के कोलैबोरेशन इज ओपनिंग अप JioMart। इसकी वजह से रिटेल इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। Amazon एक मीडिएटर की तरह काम करेगा जो इन किराना स्टोर और कस्टमर के बीच में रहेगा, मतलब कि Amazon एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इन किराना शॉप्स को जहां वो अपने सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं और कंज्यूमर्स इस लिस्ट को ब्राउज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसकी वजह से डिलीवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सामान आपके पास के किराने की स्टोर से ही आ रहा है। इस प्रोग्राम की वजह से स्मॉल किराना शॉप्स विल गो ऑनलाइन और जिसकी वजह से इनकी विजिबिलिटी और रेवेन्यू दोनों बढ़ जाएगा और इसमें किराना शॉप्स वालों के पास ऑप्शन है कि वो अपना डिलीवरी एरिया ही खुद से सिलेक्ट करें क्योंकि Amazon के एप्लीकेशन के थ्रू उनके पास ये ऑप्शन होता है। साथ ही में कस्टमर्स को भी बेनिफिट है क्योंकि उनके पास अब और ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और उन्हें इधर से उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा सामान घर पर ही डिलीवर हो जाएगा। पर इस सब के बावजूद भी Amazon entered the $200 billion इंडियन रिटेल मार्केट और उन्होंने 5,000 लोकल शॉप्स अक्वायर की है 100 डिफरेंट सिटीज में और सिर्फ किराना स्टोर्स को ही नहीं अक्वायर किया है, उन्होंने सब कैटेगरीज में कुछ न कुछ कैप्चर किया है जैसे कि होम, ऑटोमेशन, ग्रोसरी, स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। दो Amazon का 2018 का रेवेन्यू वॉज जस्ट $233 billion जो कि वॉलमार्ट का आधा है, पर Amazon का मार्केट कैपिटलाइजेशन वॉलमार्ट से बहुत ज्यादा है। एक तरफ जहाँ फेसबुक और जियो के कोलैबोरेशन के पास 700 मिलियन यूजर्स है और वो द न्यू ऑयल ऑफ डिजिटल इंडिया होगा, वहीं दूसरी तरफ Amazon के पास 4.4 बिलियन प्राइम सब्सक्राइबर्स है। अब देखना तो ये है कि वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट क्या करेगा टू गिव कॉम्पिटिशन टू द अदर टू। देखा जाए तो वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी रिटेल इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर बना लिया है क्योंकि वो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सर्विस और वॉलमार्ट के सेंटर्स फॉर स्टॉकिंग यूज करके दे विल क्रिएट देयर ओन स्टैंडिंग। लास्ट सितंबर फ्लिपकार्ट ने 27,000 किराना स्टोर्स अपने अंडर लिए इन टू सेकेंड एंड थर्ड टीयर सिटीज। पेटीएम ने भी 2018 में पेटीएम मॉल खोला था जो POS सिस्टम्स की तरह रिटेलर्स को उनके ऑनलाइन कस्टमर्स को मैनेज करने में आसानी होगी। POS सिस्टम इन्वेंट्री और ऑर्डर्स का ध्यान रखेगा अलॉन्ग विद कस्टमर बिलिंग और पेमेंट और ये सिस्टम यूज करके रिटेलर्स इजीली ऑनलाइन ऑर्डर्स पूरे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ हाथ जोड़ लिए हैं और रिटेलर्स के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं। DPIIT एंड CAIT ने अपने साथ स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्ट इंडिया को भी ले लिया है जिसकी वजह से अब उनके पास 7 करोड़ ट्रेडर्स है जिसकी वजह से वो एक एडिक्वेटली डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अब बस देखना यही बचा है कि ये किराना वाला स्टोर्स डिजिटाइजेशन को कैसे अडॉप्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो हमारा अगला वीडियो भी इसी टॉपिक के बारे में है जो डिटेल में इसके बारे में बात करेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रिटेल ज्ञान।